स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों सहित कॉलेज के भीतर और बाहर छात्रों का प्रतिनिधित्व करने व छात्रों को अनेक सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार है। बिहार का चुनाव गौतम सिंह शेरू के लिए लड़ा जाएगा, किसी की हक और हकूक के लिए लड़ा जाएगा और छात्र हित के मुद्दों के लिए लड़ा जाएगा। इसलिए जरूरी है, जैसे कर्मचारियों की आवाज़ को उठाने के लिए कर्मचारी संघ होता है, शिक्षकों की आवाज़ उठाने शिक्षक संघ होता है, इसलिए छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाने के लिए छात्र संघ का होना अनिवार्य है। किसी भी पार्टी नहीं होती है, छात्र अपना हित के लिए बच्चों के चुनाव लड़ते हैं और पार्टी बात का भी टिकट देती है। कि हर एक छात्र जान जाए हम लोगों को कि हम लोग चुनाव लड़े, ये आपका भाई खड़ा है आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हर प्रत्याशी जीत हासिल करना चाहता है और यही वजह है कि वह अपने वादों से छात्रों का दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं बस तीन चार काम पहले तुरंत करूँगा। पहले तो हर क्लास में माइक की सुविधा करूँगा, क्योंकि अपने क्लास में माइक की बहुत जरूरत है। उसके बाद जो एडहॉक टीचर आ रहा है, मैं ये चाहूँगा कि जो एडहॉक टीचर कम किए जाएँ। कारण ये है कि अभी आप हमारे साथ DSC में बैठ के पढ़ रहे थे, दो साल बाद आप हमारे क्लास में आगे पढ़ाने लगेंगे। बताइए लड़कों क्या समझा, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होने चाहिए लड़कों को पढ़ाने के लिए। हम लोग 12th में 11th में या 9th में नहीं है, हम लोग ग्रेजुएशन। दिस इज क्वेश्चनल है, आई एम परस्यूइंग बीए थर्ड ईयर एंड दिस टाइम आई एम डूइंग ऑफिस मैनेजमेंट फ्रॉम BHU। इस कॉलेज में कुछ करना चाहते हैं जीत के लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। जो कॉलेज में सब फालतू कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं, कॉलेज में बाहरी लोग आ रहे हैं उन्हें हम रोकेंगे और कॉलेज में जो कमी है उसे दूर। अभी भी मेरे कॉलेज में बाहरी लड़के आ रहे हैं, लड़कियों को कमेंट सुनने को मिले। मान ना कि इस कॉलेज के लड़के कमेंट्स नहीं कर रहे, बट बाहरी लड़के जो कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें कौन रोकेगा, उन्हें भी तो रोकना चाहिए ना। कि हमारे महाविद्यालय पिछली बार हमारे अध्यक्ष अमित यादव और सुमित उपाध्याय ने महाविद्यालय के लिए CCTV कैमरा, वाटर कूलर और डीजी सेट लगवाए और पूछताछ काउंटर नहीं थी, पूछताछ काउंटर बनाए और 40 कंप्यूटर की मांग जो पूरी हो गई। ऐसा हमारी मांग रहे कि महाविद्यालय में वाईफाई लगाया जाए और महाविद्यालय को रंग रोगन के लिए पूरा एकदम नया किया जाएगा और महाविद्यालय में जो स्टैंड है इसको फ्री कराया जाएगा छात्रों के। कोई पार्टी नहीं होती, वह दूसरे के हित के लिए बिना किसी भेदभाव के इसकी सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। हर प्रत्याशी में जीतने की तमन्ना है और राजनीति के गलियारों में आगे चलकर देश का प्रतिनिधित्व कर सकने का सपना है। कॉलेज में अभी तो कोई पार्टी नहीं, अगर यहाँ बहुत मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मतलब सारे पार्टी जुड़े हुए हैं, जितनी पार्टियाँ हैं सब छात्रों में चुनाव लड़ाती हैं, लेकिन अभी लिंगों के हिसाब से तो कोई पार्टी कहीं से जुड़ नहीं। हमारे पैनल उपाध्यक्ष के रोहित कृष्ण यादव और महामंत्री मुखिया यादव, विद्यालय मंत्री अध्यक्ष पद के लिए रचना सिंह एंड उपाध्यक्ष पद के लिए और प्रकाश। अगर जीतोगे तो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए करूँगी। एक तरफ हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में दम लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह कॉलेज के लिए बन गया है विकार। चुनाव बन गया है छात्रों के लिए अशांति का कारण। कॉलेज परिसर से लेकर कक्षा के अंदर तक हंगामे व अराजकता का रीजन। डेमोक्रेसी है तो इसमें हम कह सकते हैं कि
कि छात्र भी अपनी मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को मौका देना चाहते हैं, और जो कि हमारा इस समय पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें युवा छात्रों की ज़रूरत है, छात्र नेताओं की ज़रूरत है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जो कि वो ताली बजा के या डांस करके या फिर शोर शराबे के थ्रू जो अपना प्रदर्शन करते हैं उससे हमें डिस्टर्ब होती है। फायदा तो कुछ नहीं है, बस ये पब्लिक का अपना वो बड़ा प्रेशर है, पढ़ाई पे प्रेशर तो पड़ ही रहा है, बहुत पड़ा है। नुकसान भी है, लाभ भी, क्लासे डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब तो हर चीज़ से होता है, हम शांतिपूर्ण प्रक्रिया से विचार प्रसार और उसकी डिमांड करते हैं। बहुत डिस्टर्ब होती है क्लासेस में, बाहर भी हर जगह पंपलेट देना, कार्ड देना, हाँ नहीं हम लोग को डिस्टर्ब होता है और क्या। बस बहरहाल इस तस्वीर का एक उज्जवल पक्ष भी है, देश की लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक को लोकतंत्र के परीक्षण हेतु छात्र यूनियन बहुत उपयोगी है। लेना है तो आप प्लीज शांति से मांगे, आपको चिल्लाने से या नारेबाजी करने से या बाहर के लोगों को बुला के पैसे देने से आप ये नहीं चुका सकते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आप जीत जाएंगे। अगर आप पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है, कुछ लोग ऐसे बाहरी है जिनकी भी काय काट चेकिंग होगी और हम लोग बाजार के लिए उसके लिए शिकायत कर चुके हैं। बहुत लोग समझते हैं क्लास अगर चल रहा है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बोल देते हैं कि प्लीज़ इसको चलने दीजिए, क्लास को जारी रखने दीजिए, उससे मतलब कोई भी वो जब क्लास खत्म हो जाएगी हम उनसे बाद में मिल लेंगे। और जो कि हमारा इस समय पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें युवा छात्रों की ज़रूरत है, छात्र नेताओं की ज़रूरत है, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी में इस समय जो करप्शन चल रहा है वो तो सुधरने से रहा, इसलिए ज़रूरी है कि छात्र नेता आगे आए। जैसे घोषणा तुम्हारी लोकतंत्र है जिसमें 6500 लोग उड़ जाएंगे अपना अपना वोट पाएँ, ये कोई बात नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए लगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब हम देश के लिए लड़ेंगे तो देश को अगर मिलेगा तो हमको अपने आप मिल जाएगा, तो ये सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अपना ये स्वार्थ है हमको ये मिल जाएगा। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं ना वो अपना भला कर पाते हैं ना देश का भला कर पाते हैं, और जो देश के बारे में सोचते हैं वो देश का भला करते हैं तो अपना भला सोच पाते हैं। हाँ हमेशा विकास के मुद्दों पर आया कॉलेज की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जो भी प्रत्याशी जो भी भाई निश्चित रूप से चुनाव के बाद सभी छात्र और छात्राएं जो भी चुनाव मैदान में हैं या उनके समर्थक निश्चित रूप से उन्हें काम करेंगे ऐसा आशा है और ऊपर से प्रार्थना भी यही हम लोग करते हैं। नहीं देखिए पोजीशन ना पोजीशन ये तो छात्रों को तय करना है कि किसको वोट देंगे, लेकिन हमारी विचारधारा छात्रों के पास पहुंचती रहे, वो इस बात को जानते रहे कि इस मुद्दे को लेकर भी कोई चुनाव छात्र संघ का लड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में उनको भी इलेक्शंस में आना चाहिए और वो आ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि इस देश का नौजवान समझेगा और 2020 का जो भारत बनेगा मुझे लगता है ये युवाओं का भारत। चुनाव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कॉलेज लाइफ में छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है, ये कई मामलों में उपयोगी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कमियां हैं, लेकिन थोड़े से देखभाल और ध्यान के साथ कामकाज